शिप्स, लोकोमोटिव्स, एग्रीकल्चरल मशीन्स, ट्रक्स, बसेस, कार्स और यहाँ तक कि जेनसेट्स। क्या आप जानते हैं इन सभी के बीच में क्या कॉमन है? वेल, इन सभी के बीच में कॉमन है एक डीजल इंजन। हाँ, ये सभी की सभी एप्लीकेशंस और गाड़ियाँ डीजल इंजन पर चलती हैं। और इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो इन सभी को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिलायबल इंजन बनाती है, जिसका नाम है कमिंस। कमिंस दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन के लिए डीजल इंजन बनाती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाती, ना ये गाड़ियां बनाती है ना कुछ और, सिर्फ डीजल इंजन बनाती है। और इस कंपनी की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कमिंस के इंजन बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर तो इस्तेमाल होते ही हैं। साथ ही साथ कमिंस ही वो कंपनी है जिसकी वजह से डॉज के रैम पिकअप ट्रक्स का जन्म हुआ, और ये इतने ज्यादा रिलायबल इंजन बनाते हैं कि निसान और इसुजू जैसे जैपनीज ब्रांड्स तक भी अपने पिकअप्स के अंदर इनके इंजन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इनका रिलेशन इंडिया से इतना ज्यादा पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये टाटा से लेकर इंडियन आर्मी तक सभी की गाड़ियों के लिए इंजन प्रोवाइड कराते हैं। और इनके 610 से भी ज्यादा जेनसेट्स दिल्ली के 140 मेट्रो स्टेशन को पावर प्रोवाइड कराते हैं। अब ये कंपनी है तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाल की डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या ये खतरे में है? वेल, मैं ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीजल इंजन को लेकर हमारी सरकारों का रुख कैसा है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों का जवाब ढूंढते हैं और साथ ही साथ कमिंस के बारे में भी डिटेल में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस कंपनी की ओरिजिन को समझ लेते हैं। कमिंस की शुरुआत करी थी क्लैसी कमिंस ने। क्लैसी जो कि 1888 में इंडियाना में पैदा हुए थे, उन्हें बचपन से ही इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। क्लैसी कमिंस कोई बहुत ज्यादा अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, उनके दोनों ही पेरेंट्स इंडियाना के अंदर किसान थे और उनका ज्यादातर वक्त खेतों के अंदर किसानी करते हुए गुजरता था स्कूल में पढ़ने जाने के बजाय। किसान होने के साथ साथ क्लैसी बचपन से ही मशीन्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और इसी चलते 11 साल की उम्र में ही क्लैसी कमिंस ने बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में रहने के बावजूद भी अपने फार्म के अंदर एक स्टीम इंजन को बना डाला। क्लैसी ने 8th क्लास के अंदर अपना स्कूल छोड़ दिया और वो अपने फार्म के अंदर पूरी तरीके से ध्यान देने लगे, और जिंदगी की रफ्तार आने वाले कई सालों तक लगभग एक सी रही। लेकिन फिर 1910 में क्लैसी विलियम इरविन नाम के एक बैंकर के पास एज ए शॉफर एंड मैकेनिक काम करने लगे। वो धीरे धीरे काफी ज्यादा एक्सपर्ट मैकेनिक बनने लगे, और इसी दौरान उनका पाला एक ऐसी मशीन से पड़ा जिसने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया, और वो मशीन थी रुडोल्फ डीजल द्वारा इन्वेंटेड डीजल इंजन। मिस्टर कमिंस को डीजल इंजन इतने ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने उसको गहराई से समझना चालू करा, और 1919 में उन्होंने खुद की कंपनी फाउंड करी जिसका नाम था कमिंस इंजन कंपनी। इस कंपनी ने HVID नाम के एक डच कंपनी के डीजल इंजन को इम्पोर्ट करके लोकली बेचना शुरू करा ताकि फार्म्स में इनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आगे चल के ये खुद के डीजल इंजन भी बनाने लगे, और इनके इंजन फार्म एप्लीकेशन से लेकर ट्रक्स वगैरह तक के लिए आने लगे। लेकिन 20s एंड 30s में देखने को ये मिलता था कि पहले ना डीजल इंजन को लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे और ज्यादातर पेट्रोल पर ही रिलाय करते थे। तो लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए मिस्टर कमिंस ने एक चीज करी। उन्होंने जनरल मोटर्स द्वारा बनाए गए एक बहुत ही मुश्किल रिकॉर्ड को तोड़ने का फैसला किया। दरअसल जनरल मोटर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने एक अपनी पेट्रोल इंजन वाली सेडान को न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक दौड़ाया था, जिसमें उन्होंने इस दूरी को 103 घंटे और 59 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया था, जो कि उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इससे बड़ी बात यह बनी कि 1931 में कमिंस के डीजल इंजन द्वारा पावर्ड एक डीजल ट्रक ने सेम अटेम्प्ट को 97 आवर्स एंड 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक ट्रक ने स्पीड के मामले में कार को भी पीछे छोड़ दिया। और इसके एक साल बाद उन्होंने इसी अटेम्प्ट को फिर से किया, और इस बार उन्होंने अपना डीजल इंजन एक 32 सीटर बस के अंदर लगाया, और इस बार इस बस ने इस जर्नी को सिर्फ 91 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। और इस बात से ये प्रूव हो गया कि डीजल इंजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज भी होते हैं। और इसी तरीके से अपना कई बार लोहा मनवाने की वजह से डीजल इंजन के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा, और खासकर कमिंस के इंजन के ऊपर। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये देखने को मिला कि कमिंस के डीजल इंजन की पॉपुलरिटी अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां की जो आधी से भी ज्यादा हैवी ड्यूटी ट्रक इंडस्ट्री थी ना, वो कमिंस के डीजल इंजन का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इनकी सक्सेस सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इनका बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगा बहुत ही ज्यादा तेजी से, और ये इंडिया तक भी आ पहुंचे। एंड एक्चुअली इंडिया और टाटा के साथ तो कमिंस का बहुत ही ज्यादा पुराना और गहरा नाता है, पर उस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम फिलहाल फिर से अमेरिका के हैवी ट्रक्स के बारे में बात करें तो ज्यादातर अमेरिकन ट्रक्स के अंदर आज भी कमिंस के इंजन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें एज पर कमिंस वेबसाइट फ्रेटलाइनर के 3 ट्रक शामिल हैं, इंटरनेशनल के 3, केनवर्थ के 5, पीटरबिल्ट के 4, वेस्टर्न स्टार के 4 और वॉल्वो के 8 ट्रक्स ऐसे हैं जिनमें कमिंस के इंजन इस्तेमाल होते हैं। अब देखो, बड़े ट्रक मेकर्स के बीच में कमिंस के इंजन बहुत ज्यादा पॉपुलर तो थे, लेकिन एक जगह थी जहां पर इन इंजन की काफी ज्यादा जरूरत थी, और वो जगह थी स्मॉल पिकअप ट्रक्स की। आप जानते ही होंगे कि अमेरिकन ऑटो मार्केट के अंदर पिकअप ट्रक्स की बहुत ज्यादा भारी डिमांड होती है,
लेकिन इस भारी डिमांड के बावजूद भी अमेरिका के अंदर कई सालों तक जो पिकअप ट्रक्स के लीड मैन्युफैक्चरर्स थे ना, वो सिर्फ फोर्ड और जनरल मोटर्स ही थे, और वहाँ की एक तीसरी बड़ी कंपनी यानी कि डॉज इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे दिखाई देती थी। हाँ, डॉज भी पिकअप ट्रक्स बनाते थे, लेकिन उनके पिकअप ट्रक्स ज्यादा लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह ही यूज होते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादातर पेट्रोल इंजन ही थे और डीजल इंजन की बहुत ही ज्यादा कमी थी, उनको बनाने नहीं आते होंगे शायद से। और इसीलिए डॉज एक रिलायबल डीजल इंजन सप्लायर ढूंढ रहे थे अपने पिकअप ट्रक्स के लिए। वहीं पर कमिंस एक ऐसी छोटी गाड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रही थी जिसको उनके डीजल इंजन की नीड हो, और इसी चलते इन दोनों ब्रांड्स का मिलन हो गया। और क्राइसलर जो कि डॉज की पेरेंट कंपनी है, उसने 2010 में पिकअप ट्रक्स के लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बनाई जिसका नाम था रैम। रैम के अंदर सिर्फ कमिंस के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, और रैम ने लगने वाले कमिंस के डीजल इंजन इतने ज्यादा रिलायबल और पावरफुल थे कि इन्होंने बहुत ही जल्दी अमेरिका के टॉप प्लेयर्स यानी कि फोर्ड और जीएम की नाक में दम करके रख दिया। अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ अमेरिकन ब्रांड्स की ही बात करी है, लेकिन जो अगली चीज हमने अपनी रिसर्च में पाई है ना, वो देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा चौंक गया। आपने अक्सर जापानीज ब्रांड्स द्वारा बाकी दुनिया भर के ब्रांड्स को इंजन सप्लाई करते हुए देखा होगा, लेकिन कमिंस एक ऐसा रेयर अमेरिकन ब्रांड है जिसने जापानीज ऑटोमेकर्स की गाड़ियों को ही अपने इंजन सप्लाई कर दिए। जैसे कि इसुजू ने 2020 के एंड तक ऐसे 290,000 ट्रक्स बेचे हैं जिनमें कमिंस के डीजल इंजन लगे थे। और इसके अलावा निसान के अमेरिका में मिलने वाले टाइटन एक्सजी पिकअप ट्रक के अंदर भी कमिंस का 5 लीटर का V8 इंजन मिलता है। अब भाई, जिस कंपनी के इंजन्स को जापानीज ऑटोमेकर्स अपनी गाड़ियों के अंदर लगा रहे हों, आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी कितने ज्यादा डिपेंडेबल इंजन्स बनाती होगी। अब यही जो इनकी डिपेंडेबिलिटी है ना, इसी का फायदा टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल डिवीजन पिछले 30 सालों से उठाता आ रहा है। जी हाँ, कमिंस के डीजल इंजन टाटा ट्रक्स के अंदर पिछले 30 सालों से लगकर आ रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब टाटा ने अपने ट्रक्स बनाना स्टार्ट किया था ना, तब उनको जो डीजल इंजन है वो मर्सिडीज सप्लाई करा करती थी, लेकिन जब इन दोनों ब्रांड्स के बीच पार्टनरशिप टूटी तब टाटा को कमिंस ने अपने डीजल इंजन सप्लाई करना चालू कर दिया। और अगर आज की डेट में देखोगे ना, तो टाटा की पोर्टफोलियो में जितने भी हैवी ट्रक्स है ना, उन सभी के अंदर कमिंस के इंजन का इस्तेमाल होता है। टाटा के अलावा कमिंस की छाप इंडियन आर्मी की मशीन्स पर भी देखने को मिलती है। लार्सन ट्यूब्रो एंड डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए 354 टैंक्स डेवलप करे हैं जो कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे। अब इनिशियली इन लाइट टैंक्स को पावर करने के लिए एक जर्मन कंपनी के इंजन इस्तेमाल किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन ये डील बीच में ही कैंसिल हो गई, जिसके बाद कमिंस ने कहा कि इन लाइट टैंक्स के लिए वो अपने डीजल इंजन सप्लाई करेंगे। अब देखो, कमिंस के इंजन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के बीच में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, साथ ही साथ ये लोकोमोटिव्स और बड़ी बोट्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कमिंस का 3600 हॉर्स पावर का QSK95 इंजन लग्जरी याच्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ दुनिया भर की कई सबसे ज्यादा पावरफुल टग बोट्स और बड़ी बड़ी बोट्स के अंदर भी इनके इंजन के इस्तेमाल होते हैं। व्हीकल्स के अलावा कमिंस के स्टेशनरी इंजन का इस्तेमाल पावर सॉल्यूशंस के लिए भी किया जाता है। जैसे कि इनकी वेबसाइट के मुताबिक कमिंस का इंजन लिबर्टी आइलैंड पर सिचुएटेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी पावर करता है, और ना जाने कितने ही मॉल्स और टावर्स के बैकअप सिस्टम के तौर पर भी ये काम में लिया जाता है। अब देखो, इनके इंजन्स काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरकारों का जो रुख है वो डीजल इंजन्स को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, और कमिंस तो एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन्स ही बनाती है। तो क्या ऐसे में इस कंपनी का आने वाले टाइम में वजूद ही खत्म हो जाएगा? वेल, अगर हम स्मॉल ट्रक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये कंपनी खतरे में ही है, क्योंकि स्मॉल ट्रक्स में तो अब पेट्रोल इंजन ही आने लग रहे हैं। बड़े ट्रक्स की बात करें तो वो भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ ही ट्रक्स आए हैं, लेकिन हाँ, आएंगे और भी। और अगर हम बड़े डीजल लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गायब होते जा रहे हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में से। और अगर इस हिसाब से देखा है तो अकेले मरीन डीजल इंजन ही है जहां पर इन डीजल इंजन की लाइफ मेरे को ज्यादा दिखाई देती है। एंड डेफिनेटली ये बात कमिंस को भी समझ में आती है, और इसीलिए वो इस मुसीबत से दो दो हाथ करने के लिए जुट भी गए हैं। जैसे कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कमिंस वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े ऑटोमेकर्स के साथ कोलैबोरेशन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 2019 में सोल साउथ कोरिया में हुए कमिंस और हुंडई के बीच अग्रीमेंट ने भी ये दिखाया कि वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सिर्फ कोरियंस ही नहीं, इंडियंस भी कमिंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि टाटा और कमिंस ने मिलकर एक नई एंटिटी एस्टेब्लिश करी है TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके थ्रू वो 0 to low एमिशन वाले इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो बॉस, अपनी वास्ट पोर्टफोलियो और एफर्ट्स की मदद से ये बोला जा ही सकता है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेगी अपने आप को बचाने के लिए, और लंबे समय तक ये रेलिवेंट रह पाएगी। पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि आपका डीजल इंजन को लेकर क्या विचार है। क्या इनका बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल घट जाना चाहिए, या फिर ये आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके हिसाब से? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।